हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़, मैंने वेलवेट का ब्लाउज़ बनाया है और वो कैसे बनाया है, प्रिंस कट ब्लाउज़, जिसके लिए ब्लाउज़ का लेंथ 16, चेस्ट 42, वेस्ट 32 है, यानी कि एक्सेल के करीब का साइज़ है। इसके लिए मैंने वेलवेट को डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करके मैं लेंथ लूँगी, तो लेंथ मैंने उसका 16 लिया है। पहले मैं इसे इक्वल कट कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा सा क्रॉस गया है। मेरे पास जस्ट फैब्रिक का मतलब स्क्रैच ही था, तो उस स्क्रैच से ही मैंने बनाया है। तो मैं इसका लेंथ 16 लिया है, तो मैं 16 लूँगी। शोल्डर मेरा होता है 15, जिसमें से मैं 1.5 इंच कम करूँगी, 3 इंच कम करूँगी, और 3 इंच कम करके मैं 12 रखूँगी। 12 करके मैंने आधा इंच ऐड किया है, क्योंकि ब्लाउज़ में थोड़ा कम करेंगे तो शोल्डर डाउन नहीं होता, परफेक्ट फिटिंग आती है। ये मैंने रखा है 8 आमूल की गोलाई। अब मैं मिला दूँगी इस तरीके से। चेस्ट मुझे 42 रखना है, तो मैंने 42 रखा है, और उसमें मुझे 2 इंच ऐड करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ट्राई करना। प्रिंस कट ब्लाउज़ आपको ऐसे लगेगा मैंने बहुत ईजी तरीके से बनाया है। अब यहाँ से राउंड मुझे देना है आमूल की गोलाई। मैंने लेंथ लिया है, लेंथ में मुझे ऊपर से आधा इंच ऐड करना है और नीचे से 1 इंच ऐड करना है, तो मैं इस तरीके से 1.5 इंच ऐड करती हूँ। और फिर वेस्ट का मुझे ऐसे रखना है कि वेस्ट गोलाई जितनी भी हमारी आती है, हम उसका हाफ पार्ट लेंगे, 1/4 करेंगे वेस्ट का, और उसमें हम टक्स के लिए 1 इंच ऐड करेंगे। और ऊपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो वो 2 इंच एक्स्ट्रा मैं नीचे फिर से लूँगी और मिला दूँगी चेस्ट को वेस्ट से। इस तरीके से आमूल की गोलाई देती हूँ। शोल्डर का क्रॉस करना है 1/2 इंच पे, और इसे मैं कट करके निकाल दूँगी। ये मैंने बैक पार्ट बनाया है। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप ये बहुत आसानी से समझ जाओगे कि प्रिंस कट ब्लाउज़ इजी तरीके से कैसे बनता है। ये मेरा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फोल्डिंग किया, उस पर एज इट इज़ मेरा बैक पार्ट रखा है। चेस्ट के पास से मुझे 1/2 इंच ऐड करना है, और वेस्ट के पास से मुझे 1 इंच ऐड करना है, और एज इट इज़ सारे मार्किंग सेम करके मैं हटा लूँगी कपड़े को। ये इस तरीके से हो गया है। अब मुझे ऊपर से टक्स का 10.75 से मैं लूँगी 3.5 इंच, और 2 इंच ऊपर लेना है। यहाँ से मुझे 6.5 लेना है, और यहाँ से 2 इंच लेना है इस तरीके से, और फिर मैं इस पार्ट को इधर से मिला दूँगी इस तरीके से। और यहाँ फिर उसके बाद आपको शेप देना है, यहाँ भी थोड़ा सा राउंड शेप देना है। इस तरीके से हमारा कटिंग पार्ट हो चुका है। अभी मैं इसे टक्स का गैप देना है और उसको इस तरीके से मिलाना है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट में कम कट करके निकाल लूँगी। ये इस तरीके से सिलाई लगानी है। मैं स्लीव्स लिया है, स्लीव्स मैंने 3 इंच ही लिया है, छोटी लेना है, तो मैं उसमें ऐड करके जितना मुझे आ रहा है मैं उतना रखूँगी। यहाँ से आमूल की गोलाई मैंने 8 ली है, तो उसमें मैं 1.5 इंच ऐड कर दूँगी, तो 9.5 लूँगी। और 14 मेरा राउंड है, तो उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड किया, तो मैं स्लीव्स कट कर लूँगी। मार्किंग लगा दिया मैंने पॉइंट का। अब मेरी कटिंग परफेक्टली हो चुकी है, मैं चेक कर लेती हूँ इक्वल आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे फ्रंट पार्ट को सिलाई लगानी है, तो फ्रंट पार्ट पे जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी अलग कट की है, उसे हम इस तरीके से बिठाएंगे, संभाल संभाल के बिठाना है, क्योंकि थोड़ा राउंड होता है एक, और एक थोड़ा अलग शेप में होता है। तो इस तरीके से मैंने स्लो स्लो धीरे धीरे इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है एक साइड पे, और सेम साइड अदर साइड का भी मुझे अटैच करना है, तो इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। ये अटैच हो गया है, ये मेरा फ्रंट पार्ट हो चुका है रेडी। अब मैं बैक पार्ट पे टक्स लगाऊंगी। उसके लिए मुझे नीचे से यहाँ से हमें एक मतलब मैं अलग सेपरेट कर दिया मैंने उसे, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के मुझे 3.5 लेना है। 3.5 मुझे फ्रंट में भी लेना होता है। अब मैं 1 इंच का डिफरेंस दे के टक्स डाल दूँगी 4 इंच की उस पर। दोनों साइड पे हो गया है, मैंने टक्स डाल दिया इस तरीके से। ये बैक पार्ट भी हो गया है। अब स्लीव्स में मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। ये हो गया, तो अब मुझे फ्रंट काटना है। फ्रंट के लिए ऊपर से 1.5 इंच, नीचे से 1.5 इंच करके मैं शेप दूँगी। ये मेरी स्लीव्स पे फ्रंट हो गई है। अभी मैंने सेम 1.5 इंच छोड़कर राउंड शेप देना है, तो ये मेरा फ्रंट ब्लाउज़ के पार्ट में भी टक्स हो गया है। इस तरीके से मैंने नेक लिया है 3 इंच, और 7 यहाँ पर मैं 5 शेप दूँगी उसे। फ्रंट पर मुझे 5 शेप देना है, तो ये मैंने कट कर लिया है 5 शेप। अब बैक पे मुझे राउंड लेना है, तो मैं 11 सेंटीमीटर का लेंथ लूँगी। मुझे थोड़ा डीप नेक रखना है, और मैंने राउंड शेप दिया है इस तरीके से। ये भी कट करके निकाल दूँगी मैं। अभी मैं शोल्डर के पार्ट को अटैच करूँगी। शोल्डर अटैच हो जाएगा। इसके बाद मैंने इस क्रॉस पट्टी ली है, और इस तरीके से उसे सिलाई लगा के इस तरीके से स्ट्रेट सिलाई लगाना है, और मुझे पूरे नेक पे फ्रंट से बैक तक इसी तरह बिठाना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बिठाना है, बहुत संभाल के बिठाना है।
इस तरीके से मैं बिठाते जाऊंगी। स्टार्ट टू एंड मुझे पट्टी बिठानी है, ये बैठ गई। अब मैं पूरे इस पर कट मार्क करूँगी जितना नेक मैंने बिठाया पट्टी, और फिर इस तरीके से टर्न करके सिलाई लगाऊंगी। आप बैक साइड से भी टर्न करके सिलाई लगा सकते हो या फ्रंट से संभाल संभाल कर सिलाई लगा सकते हो। इस तरीके से मैं दोनों तरफ से आपको बता सकती हूँ। मैंने यहाँ बैक से किया, अब यहाँ फ्रंट से मैंने किया है कि ऐसे फ्रंट से आपको करना है सिलाई। ये परफेक्टली नेक बैठ चुका है, पॉइंट पे भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि कैसे लगाना है। ये हो चुका है मेरा फ्रंट और बैक करके दोनों साइड से। अभी मैं स्लीव्स अटैच कर लेती हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रंट पे फ्रंट ही स्लीव्स अटैच करना है। ये स्लीव्स अटैच हो चुकी है मुझे मेरी, तो अभी बैक साइड पे मुझे हुक और आई के लिए पार्ट अटैच करना है। तो इसके लिए मैं अलग से दो दो मतलब सेंटीमीटर का कपड़ा लूँगी और इस तरीके से मुझे सिलाई लगाना है। वन साइड पे बाहर से रखना है और वन साइड से हमें इन साइड रखना है। आप ध्यान से देखो क्योंकि एक साइड हुक का होता है एक साइड आई का होता है। तो इस तरीके से मैं इसको ऊपर की तरफ सिलाई लगाऊंगी और जो दूसरी साइड है उसको इन साइड करके सिलाई लगाऊंगी। ये मेरा हुक और आई का पार्ट भी हो चुका है। अभी मैंने 2 इंच का पट्टी काटा है फ्रंट पे सिलाई लगा के उसको टर्न करने के लिए, और इस तरीके से मैं टर्न करके यहाँ से सिलाई लगा दूँगी किनारी से, और सेम पीछे भी वैसा ही करना है मुझे अटैच करके फिर इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये मेरा नीचे का पार्ट हो चुका है, अब मैं साइड से बंद कर दूंगी। अब मेरा ब्लाउज रेडी है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा या इजी लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।